हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम वसीम अहमद हियर। आज का हमारा टॉपिक है काइफोसिस एंड बो लैक्स। देखिए बच्चों, काइफोसिस क्या होता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि काइफोसिस में आपको जो स्पाइन है इसके अंदर एक कर्व आ गया है, यानी कि ये रीढ़ की हड्डी जो है कमर बाहर की तरफ निकल जाती है, यानी कि बाहर की तरफ को जिसकी कमर उठी होती है उसे काइफोसिस डिफॉर्मिटी है। अक्सर क्या होता है कि हमारी जो डाइट है, डाइट का सही ना होना या ओवरलोड का इस्तेमाल करना और कई सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से काइफोसिस हो सकता है। इसे हम कुब भी कहते हैं, कुब। काइफोसिस को हम कुब कहते हैं, जैसे किसी को हम कहते हैं जिसकी कमर बाहर की तरफ निकलती है कि ये कुबड़ा है। तो ये काइफोसिस है, इसकी डेफिनेशन अभी देखेंगे आगे। और अब हम देखते हैं बो लैक्स। देखिए, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें क्या है कि दोनों घुटनों, दोनों टांगों के बीच काफ़ी अंतर है, डिस्टेंस है, और जिसके पैर बाहर की तरफ घूमे हुए होते हैं, इस तरीके से बाहर की तरफ घूमे हुए होते हैं, उसे हम बो लैक्स डिफॉर्मिटी कहते हैं। इसमें कई बार क्या होता है कि हड्डियों की कमजोरी की वजह से या ओवरवेट होने की वजह से, बचपन में ही बच्चे पर ज़्यादा ओवरवेट करना, उसे ओवरलोड करना, तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे काइफोसिस की। काइफोसिस है क्या? काइफोसिस इज अ डिफॉर्मिटी, एक ऐसी कुरूपता है ऑफ द स्पाइन, हमारी रीढ़ की हड्डी की ऐसी डिफॉर्मिटी है इन विच देयर इज एन इंक्रीज और एग्जिग्रेशन ऑफ ए बैकवर्ड कर्व, यानी कि पीछे की तरफ हमारी रीढ़ की हड्डी का उभर जाना काइफोसिस कहलाता है। अब बात करेंगे करेक्टिव मेजर्स ऑफ काइफोसिस। ये क्या है, यानी कि हमें क्या करना चाहिए इसको दूर करने के लिए। सबसे पहला है परफॉर्म धनुरासन रेगुलरली। आप धनुरासन रेगुलर कर सकते हैं, इसको डेली परफॉर्म कीजिए तो आपको इससे फ़ायदा मिलेगा, यानी कि आपका कुब जो है काइफोसिस प्रॉब्लम कम हो सकती है। सेकेंड है बैंड योर हेड बैकवर्ड, पीछे की तरफ आप अपने सर को पूरी तरह से मोड़िए, यानी कि स्पाइन को भी अंदर की तरफ लाने की कोशिश कीजिए इन स्टैंडिंग पोजिशन। थर्ड है रिवर्स सिटअप, आप इसमें रिवर्स सिटअप लगा सकते हैं, ये भी काफ़ी बेनिफिट पहुंचाता है। नंबर फोर है परफॉर्म भुजंग आसन, आप इसमें भुजंग आसन का यूज़ कर सकते हैं, भुजंग आसन भी इस डिफॉर्मिटी को दूर करने के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। नेक्स्ट है हमारा परफॉर्म उष्ट आसन, आप उष्ट आसन भी कर सकते हैं, ये भी बेनिफिट पहुंचाएगा। तो ये था हमारा काइफोसिस। अब हम बात करते हैं बो लैक्स की। जो टांगे बाहर की तरफ घूम जाती हैं, बाहर की तरफ घूम जाती हैं, जैसे कि मैंने पिक्चर में भी दिखाया, उसे हम बो लैक्स कहते हैं। तो बो लैक्स इज अ डिफॉर्मिटी अपोजिट नॉक नी, यानी कि घुटने एक दूसरे के अपोजिट बाहर की तरफ हो जाते हैं। इन फैक्ट इफ देयर इज ए वाइड गैप बिटवीन द नीज, अगर घुटनों के बीच बहुत ज्यादा गैप है, द डिफॉर्मिटी कैन बी ऑब्जर्व्ड इजीली, तो वो आसानी से हम उसे देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हल्का फुल्का गैप है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप है तो फिर हमें केयर करने की ज़रूरत है, कुछ एक्सरसाइज होती हैं, ऑपरेशन भी होते हैं, तब ठीक हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।